अच्छा चलती न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिल्ली थैली से बाहर आ गई। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। टीपीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को कहा है, दिल्ली में दोस्ती गली में दोस्ती का स्पष्ट मामला है। मोदी द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केसीआर ने उनकी विनती की थी और एनडीए का हिस्सा बनना चाहते थे और केसीआर अपने बेटे केटीआर को आगे बढ़ाना चाहते थे। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो आरोप है कि कांग्रेस लंबे समय से लग रही है और मोदी सार्वजनिक रूप से इसकी पुष्टि की है। ये स्पष्ट हो गया है कि भाजपा और बीआरएस दोनों के बीच गुप्त समझौता है। उन्होंने कहा है, वास्तव में बीआरएस और भाजपा के बीच मजबूती संबंध है। जब उन्होंने बताया कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है तो मोदी को धोखेबाज कहा था, तो उन्होंने ये दर्शाते हुए छाया बॉक्स शामिल हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि मोदी और केटीआर दोनों नाटकीय में लिप्त थे और मतदाताओं का ध्यान भटकाने और सत्ता विरोधी में वोटों विभाजित करने की रणनीति के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, मोदी और केसीआर अभी भी दोस्त थे। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के लोग को आगाह किया है कि वे अब सामने और आई सच्चाई को देखने और अपने मताधिकारी का प्रयोग करते समय उचित निर्णय लें।